जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां भारत की टीम की तरफ से शिखर धवन और शुभमन गिल ने तूफानी ताबड़तोड़ और शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ते हुए एक शानदार स्कोर तक भारतीय टीम को पहुंचा दिया है। और आखिरकार क्या चल रही है मुकाबले की अभी लाइव अपडेट, किसने बना लिया, कितने रन, कौन खेल रहा है, कितने रनों पर लाइव, वो सब आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम दूसरा वनडे मैच जीतेगी। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच रांची में अब खेला जा रहा है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका ने वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को 9 रनों से हरा दिया था। लेकिन अब टीम इंडिया रांची में जीत हासिल कर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। तो वहीं दोस्तों, भारत के कप्तान शिखर धवन और साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बबूमा दोनों ही अपनी टीमों को लेकर बीच मैदान पर आ चुके हैं, जहां इस दौरान आप सभी भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच ये दूसरा वनडे मुकाबला जो रोमांचक मैच खेला जा रहा है उसका लाइव लुफ्त अपने टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के विभिन्न चैनलों पर विभिन्न भाषाओं में उठा सकते हो। तो वहीं दोस्तों, अगर बात करें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की, तो दोस्तों ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इस मुकाबले की जियो टीवी पर तो की ही जा रही है, और आप सभी साथ में हॉटस्टार ऐप पर भी इस मुकाबले को देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों बात करें मुकाबले के बारे में, लेकिन मुकाबले से पहले आइए आपको बताते हैं कुल मिलाकर यहां पर रांची में 5 वनडे मुकाबले खेले हैं, और इस दौरान भारत ने 2 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि उसे 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और एक मुकाबले का कोई रिजल्ट नहीं निकल सका था। हालांकि दोस्तों भारत ने यहां पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में खेला था और इसमें 7 विकेट से उसको जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद से भारत का प्रदर्शन इस मैदान पर अच्छा नहीं रहा, जिसके चलते हम सभी को एक हाई वोल्टेज मुकाबला आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच खेला जाता हुआ नजर आएगा। तो वहीं दोस्तों बात करें भारत की बल्लेबाजी की, तो दोस्तों भारत की बल्लेबाजी में जहां एक तरफ शिखर धवन पर पूरा दारोमदार होगा कि वो किसी भी तरह से टीम इंडिया को आज के इस मुकाबले में 300 के पार के लक्ष्य तक पहुंचाए, तो वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ से भी उम्मीदें होंगी कि पिछले मुकाबलों में इन्होंने भले ही शर्मनाक प्रदर्शन किया, लेकिन आज ये अपना हिसाब साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ चुकता करना चाहेंगे। और फिर अंत में आकर संजू सैमसन और सुरेश अय्यर को तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी ही है। तो ऐसे में दोस्तों अब बात कर लें अगर भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच दूसरे वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों आप सभी को जो प्लेइंग 11 टीम भारत की खेलती हुई आज नजर आने वाली है उसमें काफी बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं, जहां खुद कप्तान शिखर धवन ने बताया कि शुभमन गिल उनके साथ आज ओपनिंग करेंगे, तो वहीं मध्यम क्रम में ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सुरेश अय्यर, संजू सैमसन और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, और गेंदबाजी में कुलदीप यादव, आवेश खान, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज आप सभी को खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये होगी भारत की टीम जो कि आप सभी को खेलते हुए आज दूसरे वनडे मैच में दिखाई देगी। तो वहीं बात करें अगर साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में, तो साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से यानेमन मलान और क्विंटन डिकॉक पाली की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहीं फिर मध्यम क्रम में टेम्बा बबूमा, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं गेंदबाजी में वेन पार्नेल, केशव महाराज, कगिसो रबाड़ा, लुंगी एनगेडी और तबरेज शमसी आप सभी को खेलते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये होगी भारत और साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 टीम जो कि आज उतरेगी बीच मैदान पर। बाकी अब आप सभी की क्या राय है आज के इस मुकाबले के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम दूसरा वनडे मैच जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।